हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ गाइस, वो है बीट हेयर रिमूवल क्रीम। गाइस, इस तरह का प्रोडक्ट है ये। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी एमआरपी की बात कर लेते हैं। तो गाइस, इसकी जो एमआरपी है वो है 63 रुपीज़। जो इसकी शेल्फ लाइफ दी हुई उन्होंने गाइस, वो है 21। गाइस, इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज की। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर ले। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, इसकी इसके कागज़ की पैकेजिंग है। तो गाइस, इस तरह की पैकेजिंग है इसकी। तो गाइस, सबसे पहले जो इसकी फ्रंट में हम आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसमें इन्होंने बोला है कि 20% एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल रहा है। और जो ये बीट है गाइस, वो नॉर्मल स्किन वालों के लिए है। लोटस मिल्क एंड जैस्मिन इसकी फ्रेग्रेंस है। तो गाइस, अगर आपकी और स्किन टाइप है, जैसे ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, तो गाइस ऑल स्किन टाइप के लिए यहाँ पर मार्केट में ये आपको मिल जाएगा, ऑल स्किन टाइप के लिए। तो गाइस, इसमें जो इन्होंने बोला है वो है 24 आवर आपको देता है, मॉइस्चराइजिंग देगा आपको, और 25+5% एक्स्ट्रा आपको, 5 ग्राम आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल रहा है। तो गाइस, इस तरह का है ये। जो इसमें बैक में है वो भी इसी तरह बोला है इन्होंने कि जो भी आपको जो इसमें जो फ्रंट में है वो इसमें बैक में इन्होंने बोला है। इसे किस तरह से यूज़ करना है सारे डिटेल में इन्होंने बोला है, मैं आपको सब पढ़ के बता देती हूँ। कि गाइस, इसमें इन्होंने बोला है कि आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। बीट हेयर रिमूवल क्रीम नाउ सिल्क एंड फ्रेश, के आपको एकदम से फ्रेश फील देता है। बीट नॉट ओनली रिमूव्स वेरी शॉर्ट हेयर बट आल्सो क्लिनिकली प्रूवन टू लीव योर स्किन मॉइस्चराइज, कि आपको आपकी जो शॉर्ट हेयर है गाइस, वो उसे रिमूव तो कर देगा, बट ये होता है कि आपको 5 to 6 days बाद आपको फिर से हेयर आ जाएंगे। तो गाइस, इस तरह का है ये, इन्होंने बोला हुआ है। और आपको ये 24 आवर आपको मॉइस्चराइजिंग देगा, आपको ये नहीं आपकी स्किन को ड्राई कर देगा या कुछ भी, बिल्कुल आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। इसे यूज़ कैसे करना है, तो गाइस इसमें जो इसमें बैक में है इसे अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने कि यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। गाइस, इन्होंने बोला है कि ब्यूटीफुली स्मूथ स्किन इज़ जस्ट 3 स्टेप्स, कि आपको बिफोर यूजिंग कि आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो गाइस, जिस टाइम ये आप यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप पढ़ लिया करो किस तरह से यूज़ करना है। तो अप्लाई अ थिक लेयर विद स्पैचुला टू फुली कोट द हेयर, कि आपको स्पैचुला इसमें दिया होगा, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। इसमें स्पैचुला की हेल्प से आप इसे थिक लेयर, इसमें आपने जहाँ भी अगर आप बाजू में लगा रहे हो या आप अपने लेग पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको थिक लेयर अप्लाई करनी है। उसे 3 मिनट्स के लिए ऐसे ही या 3 to 6 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। रिमूव्स विद स्पैचुला एंड राइस विद, कि आपको जिस टाइम 3 to 6 मिनट हो जाएंगे, आपको ओनली 3 मिनट इसे यूज़ करना है। उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो बस इस तरह से इसे यूज़ करना है। इसमें जो इन्होंने प्रिकॉशंस दी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन जिस टाइम पे आप यूज़ करते हो, कौन कौन से आपको प्रिकॉशन लेने हैं। तो बस सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये फुल ऑफ प्रिकॉशंस हैं, कि जिस टाइम आप यूज़ करते हो उससे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मिनट तक इसे यूज़ करना है। जिस टाइम आप अप्लाई करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट या 6 मिनट तक इसे अप्लाई रहने देना है। ये यूज़ कहाँ करता है, सूटेबल फॉर लेग्स, आर्म्स, अंडर आर्म्स एंड वीकली लाइन, कि आपको अपनी लेग्स पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, आर्म्स से भी अप्लाई, अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, वीकली लाइन में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। नॉट सूटेबल, कि आप कहाँ आपको सूटेबल नहीं हो रही है, ऑन द हेड, फेस, आइज, नोज, ईयर्स, अराउंड द, आपको अपनी हेड पे, फेस पे, आइज पे, नोज पे इसे कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट यूज़ ऑन द स्कार्स मोस्ट स्पॉट, कि अगर आपको अपने फेस पे स्कार्स हैं या आपके बाजू पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स वगैरह, तो आपको इसे यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, इस तरह से इन्होंने बोला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बिफोर यूज़ टेस्ट, तो गाइस जिस टाइम आप यूज़ करते हो तो आपको प्लीज़ अपनी एल्बो पर इसे पैच टेस्ट जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, इस तरह से इन्होंने बोला है। ऊपर आगे इन्होंने बोला है कि चिल्ड्रन पर इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हो तो उसकी आइज़ पे आप पहले मेडिकल एडवाइस ले सकते हो। अगर अदरवाइज आप कर रहे हो तो आपको अपनी उनकी आइज़ के ऊपर या फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। तो गाइस, आपको अपने ऊपर भी अप्लाई नहीं करना है और अपने चिल्ड्रन के ऊपर भी अप्लाई नहीं करना है। तो गाइस, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह का है ये। और इसमें ज़्यादा इन्होंने नहीं बताया, यही बताया कि आपको इसे कितना यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। बाकी
इसमें आपने जो इसमें टाइम दिया है इन्होंने इन्होंने बोला है कि 3 to 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मिनट तक इसे अप्लाई रहने देना, उसके बाद आपको अपना हेयर वॉश कर लेने हैं, अपना बाजू वॉश कर लेनी है। तो अगर ये डिपेंड करता है अपने आपकी हेयर ग्रोथ पर कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो गाइस ज़्यादा टाइम देगा, अदरवाइज आपकी अगर कम हेयर ग्रोथ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लेगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको 6 मिनट तक लेगा। इसमें इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं तो गाइस इसे मैं अंदर से ओपन करके बता देती हूँ। तो गाइस इस तरह का ही क्रीम ये आप देख सकते हो। गाइस अगर आपसे बीट की जो कवर है बार अगर गुम हो गया तो गाइस इसके बैक में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपसे यूज़ करना है, वैसे जैसे आपको बीट के बार कवर में मिल रहा है तो इस तरह है। तो गाइस ये स्पैचुला है, इससे आप अपने इजीली आप इस तरह से लगा सकते हो। सो गाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। गाइज बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और गाइज बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।